जय फिलिस्तीन नारे पर बवाल वीएचपी बजरंग दल ने असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ किया प्रदर्शन, जमकर हुई नारेबाजी। असुद्दीन ओवैसी ने गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ हो रहे अत्याचारों पर हमेशा ही आवाज उठाई है। संसद में भी उन्होंने फिलिस्तीनियों के प्रति एकजुटता व्यक्त की थी। ऑल इंडिया मंजली से इम्तिहादुल मुस्लिमीन और हैदराबाद सांसद असुद्दीन ओवैसी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के निशाने पर आ गए हैं। संसद में शपथ के दौरान ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा दिया था, जिसके विरोध में अब दिल्ली ने ओवैसी के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों के विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने संगठनों के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी भी की, इसका वीडियो भी सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने बिगड़ने वाले हालातों को देखते हुए पहले से ही बैरिकेटिंग कर दी। हालांकि बीएचपी और बजरंग दल के सदस्यों को बैरिकेटिंग के ऊपर चढ़कर नारेबाजी करते हुए देखा है। उसके हाथों में ओवैसी की आपत्तिजनक तस्वीरें भी थी। विरोध प्रदर्शन में शामिल एक शख्स ने अपने हाथ में एक पोस्टर लिया हुआ है, जिस पर लिखा था, संसद की मर्यादा तोड़े ऐसे सांसद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए दिल्ली पुलिस को भगवा गमछा लपेटे हुए युवाओं को घटनास्थल से हटाते हुए भी देखा गया। शपथ के दौरान दिया गया था जय फिलिस्तीन का नारा। दरअसल मंगलवार 25 जून को लोकसभा में संसद सदस्य के तौर पर शपथ लेने के दौरान असुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा देकर विवाद खड़ा कर दिया। उर्दू में शपथ लेने के बाद उन्होंने आखिर में जय भीम जय तेलंगाना जय फिलिस्तीन का नारा दिया। उन्होंने संसद से युद्धग्रस्त फिलिस्तीन के गाजा क्षेत्र के लोगों के साथ एकजुटता प्रकट की। जैसे ही उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा दिया है, वैसे ही सत्ता पक्ष के सांसदों ने कई मिनट तक हल्ला मचाया। जय फिलिस्तीन नारे का ओवैसी ने किया था बचाव। वही ओवैसी ने जय फिलिस्तीन नारे के बाद हुए विवाद को लेकर अपना पक्ष रखा और खुद का बचाव किया। कुछ सांसदों ने ओवैसी की सदस्यता रद्द करने की मांग भी की। इस पर उन्होंने कहा, उन्हें जो करना है वो करने दीजिए, मैं भी संविधान के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, ये खोखली धमकियाँ मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। एएनआई ने बात करते हुए उन्होंने कहा कि हर कोई बहुत सी बातें कर रहा था, मैंने बस कहा कि अब जय भीम जय तेलंगाना जय फिलिस्तीन ये कैसे संविधान के खिलाफ है, मुझे कोई प्रावधान ही दिखा दीजिए।